नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावर शहर के डीएल हाई स्कूल के पिछले हिस्से से आगा खान बाड़ा, मिलत नगर, ताजनगर, नसरवांजी फाइल, खड़गा रोड, मछली बाड़ा, इन इलाकों से जो नाला जुड़ा हुआ है उस नाले की सफाई हो, साथ ही साथ नाले की गहराई तक खुदाई भी हो ताकि कचरा और नाले में पानी दोनों अच्छी तरह से बहते रहें। और मिलत नगर मस्जिद के पास जो नाले के ऊपर पुल बना हुआ है उसकी परिस्थिति दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कभी भी वहां एक बड़ा हादसा हो सकता है और वैसे ही स्थिति ताज नगर के पुल की भी है, जिसका निवेदन भुसावर नगर पालिका मुख्याधिकारी संदीप चित्रवर को रेहान कुरैशी सामाजिक कार्यकर्ता और जलील कुरैशी सेवा मंच की ओर से दिया गया है, जिस पर रेहान कुरैशी को मुख्याधिकारी से आश्वासन मिला है कि जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका की ओर से कब तक काम शुरू होता है। देखिए, आज हम नगर पालिका भुसावर में आए हुए थे और एक बहुत गंभीर विषय को लेकर हम सीओ साहब के पास आए थे और विषय कुछ इस तरह है कि जो वार्ड नंबर 15 में नसरवंजी फाइल और आगा खान बाड़ा, इनको जो दो पुल जुड़ते हैं, एक है आगा खान बाड़े में मिल्लत नगर में और एक ताज नगर का पुल है, उनकी परिस्थिति इतनी नादुरुस्त है और इतनी ख़राब परिस्थिति है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पुल की जो वॉल आती है, कंपाउंड आता है, वो पूरा टूट चुका है। तो हमने सीओ साहब को से निवेदन किया कि उसकी दुरुस्ती की जाए और हो सके तो उससे नए वहाँ पर नए पुल बनाए जाए। और दूसरा एक विषय ये है कि जो नाला सफाई हो रही है डीएल स्कूल के पीछे से तो खड़का रोड तक जो नाला है उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि उस पर भैंसे जानवर चल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल इतना हार्ड हो चुका है। तो हमने सीओ सर को ये निवेदन दिया कि आप उसकी सफाई कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसे डीप खोदिए ताकि जो पानी है, कचरा है, वो बह सके। और ये हम आशा करते, उम्मीद करते कि प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन हमारी प्रस्ताव सुनेगा। और इससे पहले हमने जो निवेदन दिए, जैसे हमारे वार्ड में बाथरूमों के लिए, शौचालय के लिए दुरुस्ती, सफाई, बांधकाम, और ये जो हमने निवेदन दिए उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर काम हुए। हमने 3-4 महीने पहले से हम इसके पीछे लगे थे कामों के और उस पर कार्रवाई हुई, तो हम अमल बजानी हुई, तो हम शुक्रगुजार थे प्रशासन का। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आज के दिए हुए निवेदन पे और आज के मेन जो मुद्दा है उस पर काम होगा।